नमस्कार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस क्लास में आपका। एनवायरमेंट और इकोलॉजी की सीरीज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सौम्य आपको पढ़ा रहा हूँ एनवायरमेंट और इकोलॉजी। साथ में हम लोग क्या गारंटी ले रहे हैं, हम लोग याद कराने की गारंटी ले रहे हैं। मैं आपको सारे नेशनल पार्क, सारे लोकेशन के साथ, सारी जगह, कौन कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन कौन सी प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है और उसका हैबिटेट क्या है। क्या नॉर्थ ईस्ट में पाया जाने वाला रेड पांडा नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी, वेस्ट बंगाल के अलावा भी कहीं जा सकता है क्या? अगर आप अब कोई नेशनल पार्क घूमने जाएंगे किसी जगह में, मान लिया जब अब अगर आप नेशनल पार्क पढ़ने के बाद में गुजरात का नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे मरीन नेशनल पार्क, मरीन तो गुजरात में वेस्ट साइड में था। अरे मरीन के साथ तो हम लोगों ने पिरोतन आइलैंड याद किया था, क्या हम लोग पिरोतन आइलैंड भी देखने जा सकते हैं? तो इस तरह से याद करवाने की गारंटी, इंटरेस्टिंग तरीके से सब कुछ। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा नेशनल पार्क लास्ट में देखा था, गुजरात और उड़ीसा का नेशनल पार्क देखा था, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो मैं आपको अगर पूछूं आपसे, गहिरमाथा बीच कहाँ पड़ा था, हम लोगों ने ओलिव रेड टर्टल कहाँ पड़ा था? देखिए, वल्नरेबल कैटेगरी में, बीच में आता था ये ब्रीडिंग करने। हिंदू न्यूज पेपर में आपको इसकी शक्लें दिखाई दे जाती हैं। तो इसके साथ में याद की थी कौन कौन सी नई जो रिवर थी, कौन कौन सी, धमरा, ब्राह्मणी, बैतरणी, धमरा, पाठशाला रिवर याद की थी। ठीक है, देख लीजिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतर कनिका नेशनल पार्क तो था लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं था। देख लीजिए इसमें कौन कौन सा पड़ा था उड़ीसा में, सतकोशिया और सिमलीपाल ही है, सिर्फ दो ही टाइगर रिजर्व है उत्तर उड़ीसा में, सतकोशिया और सिमलीपाल। सतकोशिया नीचे दिख रहा है, सिमलीपाल ऊपर, लेकिन भीतर कनिका नहीं था। तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद में गुजरात में हम लोगों ने उससे पहले देखा था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा देखा था, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला देखा था। गुरु घासीदास को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था कि सॉरी गुरु घासीदास नेशनल पार्क तो था ही, टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। क्यों बना दिया गया था, क्योंकि इसके वेस्ट में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व था और इसके ईस्ट में बांधवगढ़ जो कि एमपी का था और ईस्ट में पलामू जो कि झारखंड का था, यानी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र था और बीच का रिजर्व जो था वो रिजर्व में नहीं था, यानी नेशनल पार्क था, तो इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं, अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती और उदंती सीतामढ़ी, अचानकमार उदंती सीतामढ़ी और इंद्रावती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अचानकमार, उदंती सीतामढ़ी और इंद्रावती, इसके साथ में गुरु घासीदास भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, गुरु घासीदास, इंद्रावती नीचे है। ठीक है, कांगेर घाटी, इंद्रावती देख लीजिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है क्या, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, अचानकमार है टाइगर रिजर्व। ठीक है, सब देखा था हम लोगों ने गुजरात में। तो मक्यून बस्टर्ड, अगर मैं पूछूं आपसे मक्यून बस्टर्ड कहाँ पड़ा था, गुजरात में पड़ा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों ने इंटांकी नेशनल पार्क होलॉग गिबन कहाँ पड़ा था, इटांकी नेशनल पार्क और होलॉग नमामी नागालैंड मणिपुर मिजोरम, तो इटांकी यहाँ पड़ा था नागालैंड में, साथ होलॉग गिबन टहल रहा था, याद रखिएगा होलॉग गिबन टहल रहा था। ब्लैकबर्ग ये देखिए, सारे देख लीजिए, ये देखिए केवला देव पढ़ा था हम लोगों ने, केवला देव के साथ में क्या देखा था, साइबेरियन क्रेन और सर इसका टाइगर रिजर्व था। ठीक है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व था क्या, देख लीजिए इसमें राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व थे, इसी के साथ रामगढ़ विषधारी भी बना था टाइगर रिजर्व। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी था, देखा था नॉर्थ ईस्ट, देखा था हम लोगों ने, हुलॉग गिबन भी देखा था हम लोगों ने, बंगाल फ्लोरिकन, मानस नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, उरांग मानस कहाँ पड़ा था, अभी सब भूल जाओ, बेतला नेशनल पार्क पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में पड़ा था, सिंगलीला नेवरा वैली आज अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको, अभी
पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। तो क्या आपको महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कोई नजर आ रहा है? आंखें गड़ो के देखिए, ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई नेशनल पार्क नजर आ रहा है? देखा, दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, चौथा दिखा, पांचवा दिखा, छठा दिखा। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, नवे गांव नगजीरा, इसके साथ याद रखिएगा नवे गांव नगजीरा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। पेंच एमपी में भी पाया जाएगा, इधर भी पाया जाएगा, याद रखिएगा। तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क, नगजीरा नवे गांव, लेकिन ये भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ये भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ये वेस्टर्न घाट के हिस्से हैं सब, देख लीजिए। और क्या गुगामल है? गुगामल भी टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन गुगामल के पास में मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट मिलाप, मेल मिलाप हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है यहाँ पे मेलघाट टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि जो भूल गया वो भूल गया। मेलघाट टाइगर रिजर्व गुगामल के साथ में याद रखेंगे, नागजीरा टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, नागजीरा टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, और मेलघाट के साथ में एक और बोर टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। तो ये टाइगर रिजर्व याद रखेंगे तो देख लीजिए। गुगामल के साथ में कुछ डिटेलिंग पढ़ेंगे, गुगामल के साथ में डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो गुगामल नेशनल पार्क देखा कहाँ था? ये देखिए, ये गुगामल नेशनल पार्क, ठीक है। और ये है पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व। बंगाल टाइगर पड़ा था इंडेंजर कैटेगरी में। नवे गांव के साथ में स्लोथ बियर याद रखेंगे, नवे गांव के साथ में स्लोथ बियर याद रखेंगे। तो पेंच देखा, पेंच के साथ में क्या याद रखेंगे? पेंच के साथ में याद रखेंगे सतपुरा रेंजर्स याद रखेंगे, सतपुरा पेंच रिवर याद रखेंगे, सतपुरा याद रखेंगे, चीतल स्टैग लिस्ट कंसर्न में याद रखेंगे। स्टैग वो एक पाया जा रहा था स्टैग, वल्नरेबल कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश में याद रखेंगे। चंदौली के साथ में तो क्या ध्यान रखना है? चंदौली के साथ में क्या ध्यान रखना है? चंदौली के साथ में क्या ध्यान रखना है? तो चंदौली के साथ में हम लोगों को ध्यान रखना है राधा नगरी, राधा नगरी, राधा नगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधा नगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधा नगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राधा नगरी कोयला किसके साथ में याद रखेंगे? चंदौली कहाँ है? नीचे साउथ में देखिए, चंदौली राधा नगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ में क्या याद रखेंगे? ये देखिए वरना रिवर याद रखेंगे, वरना रिवर बह रही है, वरना रिवर बह रही है, नीले करते हैं इसको, नीला करते हैं ताकि अच्छे से इमेजिन रहे आपको, वरना रिवर, वरना रिवर, ये देखिए वरना रिवर बह रही है, चंदौली में चांद से बहती जा रही है वरना रिवर, राधा नगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। संजय गांधी नेशनल पार्क देखा था एकदम कहाँ पे देखा था? ये देखिए इधर, ये दिख रहा है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस एक बार। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र में आ गए थे, गुजरात पढ़ लिया था, गुजरात में मरीन पढ़ा था, ब्लैकबक पढ़ा था, वंसदा पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था? मकुइन बस्टर्ड, अगर मैं कहूँ आपको तो कहाँ देखा था? बेलावदार नेशनल पार्क आपने कहाँ देखा था? ब्लैकबक को ही बेलावदार नेशनल पार्क कहा था, कहा जाता था। मकुइन बस्टर्ड वहीं पे मिलती थी, गिर में एशियाटिक लायन पाए जा रहे थे। और हमने क्या पढ़ा था कि जितने किताबों में पढ़ते हैं हाथी शेर बाघ ये सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क देखा, संजय गांधी देखा, चंदौली देखा, गुगामल देखा, गुगामल देखा, मेलघाट टाइगर रिजर्व देखा, सब देखा, नवे गांव नगजीरा देखा, नवे गांव तडोबा अंधेरी देखा। टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे? बोरघाट, मेलघाट, बोरघाट, मेलघाट और तडोबा अंधेरी और नवे गांव नगजीरा, नगजीरा और तो यही थे। तो भैया सही, एक और था, कहाँ है वो लिस्ट? कहाँ है टाइगर रिजर्व की? दिखाइए मुझे लिस्ट, वो तो देखिए भाई लिस्ट, वो लिस्ट कहाँ है?
मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, सहयाद्री, भाई सहयाद्री ही तो पर्वतमाला है वेस्टर्न घाट में, वो नगजीरा नवेगांव बोरघाट याद रखना है, भूलना नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं इसको ए लिखूँ, इसको बी लिखूँ और आपसे कहूँ, हम लोगों ने नगजीरा नवेगांव कहाँ पढ़ा, जो कि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ हम लोगों ने मेलघाट बोरघाट कहाँ पढ़ा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने मरीन नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा, हम लोगों ने वंशदा नेशनल पार्क के साथ में अंबिका रिवर कहाँ पढ़ी थी, हम लोगों ने एशियाटिक लायन कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने एशियाटिक लायन कहाँ पढ़ा था और मैक्वीन बस्टर्ड कहाँ पढ़ी थी। और इसके साथ में अगर मैं और थोड़ा जीवन आसान कर दूं, अगर मैं इसको सी लिख दूं और मैं इसको डी लिख दूं, तो मानस कहाँ पढ़ा था, बंगाल फ्लोरिकन कहाँ पढ़ा था और रायमोना नेशनल पार्क और नामेरी काजीरंगा दिब्रू साइखोवा धींग पटकाई कहाँ पढ़ा था। तो हम लोगों ने, अगर मैं इसको ई कहूँ, तो हम लोगों ने तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजबारी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने इटांकी नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था, नागालैंड में पढ़ा था, भूलने नहीं दूंगा, याद कराता रहूंगा। इसी तरह से आगे आते हैं, देखा संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली, चंदौली के साथ में कौन कौन सी, राधा नगरी कोयना याद रखेंगे, राधा नगरी कोयना और वरना रिवर, राधा नगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंच के साथ में सतपुरा रेंज, नवेगांव गोगामल के साथ मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो वो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, दोबारा जीवन करने आएंगे आसान। बेतला देखा था, बेतला छोटा नागपुर पठार में था। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो कौन कौन सा नेशनल पार्क पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था, अब हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले देखे थे उड़ीसा में कौन कौन सा देखे थे, उड़ीसा को एक बार याद करिएगा, उड़ीसा को रिकॉल करिएगा एक बार, सिमलीपाल सतकोशिया, लेकिन भीतरकनिका नेशनल पार्क था, टाइगर रिजर्व नहीं था, सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व थे, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है ठीक है। अब आएंगे कहाँ आएंगे, अब आएंगे, अब हम लोग आए हैं कहाँ हैं, अब हम लोग आए हैं, जरा कुछ चीज़ें देख के ही आप ही बता देंगे कि हम लोग कहाँ हैं। मैं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तनिक और जीवन आसान करेंगे, सबसे फेमस चीज़ उठाएंगे, सुंदरबन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन में देखिए, वहाँ पे नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क है। कौन सी रिवर पाई जाती है यहाँ पे, मेघना रिवर, जब ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिल जाती हैं, मिलने के बाद उसको क्या बोलते हैं, मिलने के बाद जब बांग्लादेश में आती है तो उसको मेघना रिवर कहते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क मेघना रिवर पे के पास में टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे कौन कौन से हैं नेशनल पार्क। तो क्या आपको सिंगलीला नेशनल पार्क दिख रहा है, 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 ये देखिए। क्या आपको नेवरा वैली नेशनल पार्क दिख रहा है, क्या आपको गोरुमारा नेशनल पार्क दिख रहा है, क्या आपको जलदापारा नेशनल पार्क दिख रहा है, क्या बुक्सा टाइगर रिजर्व दिख रहा है। तो सिंगलीला सिंह के साथ में, सिंगलीला सिंह के साथ में याद रखेंगे कहाँ पढ़ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे हैं और ये ऊपर के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये असम का बॉर्डर होगा, तो अगर ये असम का बॉर्डर होगा ऊपर का, तो बंगाल फ्लोरिकन तो घूमेगी ही घूमेगी यहाँ पे, बंगाल फ्लोरिकन तो आएगी। देखिए सिंगलीला, नेवरा वैली, गोरुमारा, जलदापुरा और बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो क्या आपको ध्यान आ रहा है, नेवरा वैली के साथ में हम लोग याद रखेंगे नेवरा रिवर, नेवरा वैली के साथ में नेवरा रिवर याद रखेंगे। लेकिन क्या रेड पांडा जो इंडेंजर कैटेगरी में मानस में पाया जा रहा था, असम में पाया जा रहा था, तो क्या वो इधर से इधर नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, इधर से इधर भी आएगा। लेकिन क्या आपको उधर लगा देंगे इसको, गुजरात महाराष्ट्र साइड में नहीं लगाएंगे। क्या आपको जम्मू कश्मीर में लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, उधर नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट और उसके आसपास के रीजन में ही मिलेगा। तो देख लिया गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा के साथ में जलढाका रिवर याद रखेंगे। कौन सी रिवर,
जल ढाका रिवर याद रखेंगे गोरुमारा के साथ में, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है मूर्ति रिवर याद रखेंगे तो गोरुमारा के साथ में, गोरुमारा के साथ में, गोरुमारा के साथ में, गोरुमारा के साथ में जल ढाका मूर्ति रिवर, मूर्ति रिवर लिख लीजिएगा कॉपी में लिख लीजिएगा ठीक। जल दापरा नेशनल पार्क के साथ में क्या क्या रखेंगे, जल दापरा, जल दापरा देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, कहाँ है कहाँ है, ये देखिए जल दापरा, ये देखिए जल दापरा, साथ में क्या याद करेंगे, जल दापरा के साथ में याद रखेंगे चिल्ला पता फॉरेस्ट, एलिफेंट के रिजर्व है ये क्षेत्र, पढ़ेंगे एलिफेंट के सारे रिजर्व, तोरसा कलजनी, तोरसा कलजनी, तोरसा कलजनी, तोरसा कलजनी, बार बार बोलिए हजार बार बोलिए, बोलने की चीज है ये नेशनल पार्क ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद में सबसे ज्यादा बनहॉर्न राइनोज भी यहीं पे पाए जाते हैं ठीक है। तो ध्यान, सिंगलीला नेशनल पार्क याद रखिएगा, सिंगलीला कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था, ये देखिए सिंगलीला नेशनल पार्क, ये देखिए सिंगलीला नेशनल, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, तो देखिएगा 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 सिंगलीला, सिंगलीला के साथ में क्या याद रखेंगे, रम्माम श्री कोला, रम्माम श्री कोला, रम्माम श्री कोला, रम्माम श्री कोला, सिंगलीला के साथ में याद रखेंगे रम्माम श्री कोला, सिंगलीला लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे सिंगलीला नोट्स में लिखेंगे, तो लिखेंगे साथ में रम्माम श्री कोला के साथ में लिखेंगे वेस्ट बंगाल के साथ में लिखेंगे, वेस्ट बंगाल में ही वेस्ट साइड में, और जलढाका लिखेंगे, जलढाका लिखेंगे, जलढाका लिखेंगे, जलढाका लिखेंगे, जलदापरा लिखेंगे, जो जलदापरा में लिखेंगे तोरसा कलजनी रिवर, चिल्ला पता फॉरेस्ट, गोरुमारा में जलढाका रिवर लिखेंगे, गोरुमारा में जलढाका रिवर लिखेंगे। तो टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं इसमें से, टाइगर रिजर्व कौन कौन से इसमें से हैं, तो वेस्ट बंगाल में आइए, वेस्ट बंगाल दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है आपको, तो टाइगर रिजर्व कौन कौन से इसमें हैं। तो क्या आप इसका, आपको टाइगर रिजर्व पढ़ते पढ़ते क्या आपको बुक्सा टाइगर, क्या आपको बोर, बोर मेलघाट, बोर मेलघाट, तोरसा कलजनी, नागाजीरा नवेगांव, सह्याद्री टाइगर रिजर्व याद आ रहा है, महाराष्ट्र में पढ़ा था, वेस्ट बंगाल में कौन से, बुक्सा और सुंदरबन दो ही तो टाइगर रिजर्व हैं, कौन से, बुक्सा और सुंदरबन कौन से हैं, बुक्सा और सुंदरबन, बुक्सा और सुंदरबन, बुक्सा और सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में बुक्सा और सुंदरबन, बुक्सा और सुंदरबन, तो बुक्सा कहाँ है, एक तो ये है टाइगर रिजर्व और एक तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि नीचे है वो टाइगर रिजर्व, ना तो सिंगल लीला रहेगा, ना तो नेवरा वैली, ना तो गोरुमारा, ना तो जलदापरा, कौन सा, बुक्सा और सुंदरबन रहेगा, तो ध्यान रखना है। सुंदरबन मेघना रिवर याद रखिएगा, याद रखिएगा ठीक है। ये देखिए बुक्सा, सिंगलीला, नेवरा वैली ठीक है। तो आइए जीवन का कुछ सुख उठाते हैं, पोल करते हैं, पोल के साथ में क्लास लेते हैं। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र में पढ़ा, महाराष्ट्र को अगर मैं ए कहूँ, गुजरात को अगर मैं बी कहूँ, राजस्थान को अगर मैं सी कहूँ, अगर मैं इसको डी कहूँ, डी कहूँ, फिर मैं असम को ए कहूँ, मैं इसको बी कहूँ, डी कहूँ, डी कहूँ, तो क्या राजबाड़ी नेशनल पार्क याद आ रहा है, क्या क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो याद कर लीजिए, अगर याद नहीं आता है तो याद कर लीजिए, याद नहीं आता है तो याद कर लीजिए, याद नहीं आता है तो याद कर लीजिए। तो हम लोगों ने, तो क्या हम लोगों ने, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे कुछ पोल करेंगे। तो क्या आपको महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क याद आ रहा है, नागर चंदोली नेशनल पार्क नीचे साउथ में याद आ रहा है, गुरगामल के साथ में मेलघाट टाइगर रिजर्व याद आ रहा है, पेंच के साथ में सतपुरा रेंज याद आ रही है, चीत क्या आपको याद आ रहा है, चंदौली के साथ में राधा नगरी कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कौन सा, वरना रिवर याद आ रही है। तो क्या आपको चार टाइगर रिजर्व, बोर मेलघाट, सह्याद्री और तड़ोबा अंधेरी, और उसके साथ में नगजीरा नवेगांव टाइगर रिजर्व याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है तो याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगले में हम लोग कर्नाटक के नेशनल पार्क पढ़ेंगे। तो क्या आपको, तो क्या आपको याद आ रहा है वेस्ट बंगाल का, क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको सिंगलीला नेशनल पार्क याद आ रहा है, नेवरा वैली नेशनल पार्क याद आ रहा है, गोरुमारा नेशनल पार्क जिसके साथ में जल ढाका रिवर पढ़ा था, क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको जल दापरा नेशनल पार्क जिसके साथ तोरसा कलजनी चिल्ला पता फॉरेस्ट पढ़ा था याद आ रहा है, क्या आपको बुक्सा टाइगर रिजर्व याद आ रहा है,
तो कौन सा टाइगर रिजर्व था? बुक्सा टाइगर रिजर्व था और सुंदरबन दो ही तो टाइगर रिजर्व थे। तो जलदापरा के साथ हम लोगों को बंगाल फ्लोरिकन जो कि असम में भी पाया जा रहा था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, वो भी ध्यान रखना था, ठीक है। तो और उसके साथ में राइनो पॉपुलेशन जलदापरा में ही जो मानस में पाई जाती थी, मानस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, काजीरंगा में सबसे ज्यादा सॉरी पाए जाते हैं। तो काजीरंगा के बाद में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते थे? काजीरंगा के बाद में सबसे ज्यादा जलदापरा में पाए जाते थे। सिंगलीला के साथ में और क्या पढ़ा था? रम्माम श्रीकोला रिवर पढ़ा था, ठीक है, भूलना नहीं है। नेवरा वैली के साथ में रेड पांडा इधर भी तो आएगा। और गुरुमला के साथ जलडाका मूर्ति रिवर पढ़ा था, ठीक है। गुजरात में अगर हम लोग यहाँ पे आए, गुजरात में तो हम केवलादेव नेशनल पार्क पूछूं, अगर मैं आपसे मौलिंग नेशनल पार्क पूछूं, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल पूछूं, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल जिसकी आंखें चमक रही थी अरुणाचल प्रदेश में, याद है, पक्के पखुई टाइगर रिजर्व नाम दफा नेशनल पार्क भी था। मौलिंग नेशनल के पास इंग इंग मैंने कहा था, सिरिंग सियांग कुबोंग सिमोंग डिबोंग जो भी था सब अरुणाचल प्रदेश में था। नोवा दिहिंग ट्रिब्यूटरी, तो हम लोग कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमलांग टाइगर रिजर्व याद कर रहे थे। कहाँ है जरा नेशनल पार्क की लिस्ट, वो टाइगर रिजर्व की लिस्ट देख रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे कमलांग टाइगर रिजर्व दिख रहा है, कमलांग टाइगर रिजर्व। क्या आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम दफा और पक्के पखुई जिसको बोल रहे थे, यही तो तीन है टाइगर रिजर्व, कमलांग, नाम दफा और पखुई। इसके साथ में मौलिंग क्या टाइगर रिजर्व है? मौलिंग नेशनल पार्क नहीं है, क्या नाम दफा है? हाँ नाम दफा है, नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल भी थी जो चमकती आंखों से आपको देख रही थी। रेड पांडा और टकिन भी यहाँ पे मिल रहा था। मेघालय में कौन सा पढ़ा था? तो ये रहा मेघालय, कौन सा अगर मैं इसको ई कह दूँ, मेघालय ये रहा। तो मेघालय में नोकरेक बालपक्रम याद आ रहा है, कुछ याद कर लीजिए भैया, याद आएगा जरूर, याद करना बहुत जरूरी और आवश्यक है। नोकरेक के साथ रेड पांडा याद आ रहा होगा, नोकरेक के साथ में रोंग डैंग वाटरफॉल याद आ रहा होगा, और नोकरे के साथ सिमसंग सोमेश्वरी रिवर आपको याद आनी चाहिए। इसके साथ में बालपक्रम गणेश याद है, गोनेश्वरी रिवर, एशियन गोल्डन कैट पाई जा रही थी। असम में बुरा एक न्यूज पड़ी थी, बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या था, काजीरंगा का बफर था, अभी यहाँ पे शिफ्ट करने की राइनोज की बात की गई थी। तो याद रखिएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था, कमेंट में बताइएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि गोल्डन लंगूर कहाँ पड़ा था, और कौन सा पड़ा था, इंडियन बंगाल फ्लोरिकन पिग्मी हॉक कहाँ पड़ा था, और मानस नेशनल पार्क, ओरांग नामेरी दिहांग दिहिंग पटकाई और डिब्रू शाइकोवा रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था। इसके साथ में अगर मैं कहूँ आपसे कि डिब्रू शाइकोवा में एक लोहित रिवर पड़ी थी हम लोगों ने, जो कि असम में पाया जा रहा था, डिब्रू शाइकोवा जो कि असम के ईस्ट में पाया जा रहा था, इसके साथ में लोहित रिवर पड़ी थी हम लोगों ने, और क्या पढ़ा था इसके साथ में, और हम लोगों ने स्लोथ बियर पढ़ा था, वल्नरेबल कैटेगरी में पाया जा रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व था, तो कौन कौन से टाइगर, तो केवलादेव नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व था, नहीं था। राजस्थान में अगर आए तो केवलादेव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व था, नहीं था। सरिस्का टाइगर रिजर्व था, केवलादेव नेशनल पार्क था लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं था। ग्रेट इंडियन बस्टर राजस्थान का स्टेट बर्ड था जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था। डेजर्ट नेशनल पार्क था। रणथंबोर टाइगर रिजर्व था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व था, ठीक है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व था जिसको दर्रा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे हम लोग। तो ऐसे होता है रिवीजन। राजस्थान में देखा कौन कौन से टाइगर रिजर्व थे, राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, इस तरह से क्लास को याद करना है। तो क्या अगर मैं रिवाइज कर रहा था तो क्या मैं भूल गया हूँ, तो क्या मैं क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भूल गया हूँ,
तो क्या मैं राजबारी कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या मैं कंचनजंगा वाइल्ड लाइफ, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में पाया जाता था, वाइल्ड डोले यानी जो डॉग था एशियन वाइल्ड डॉग जिसको ढोले के नाम से जाने जाते थे जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, क्या हम इसको भूल गए? क्या हम लोग महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली, गुगामल, तडोबा, अंधेरी, पेंच और नवेगांव नेशनल पार्क भूल गए? क्या उसके साथ में बोरघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नगाजीरा नवेगांव टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व भूल गए? भूलना नहीं है, याद करके रखना है। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह से, इसी जोश के साथ में, याद करेंगे गारंटी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्लास को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि लोग याद करके कंपटीशन करें आपसे, वरना कुएं के मेढक बने रहेंगे आप। आपको करना है अगर तैयारी तो पड़ोसियों से नहीं, विश्व से।